फिर हमसे वही लोग हैं जो बेईमान हैं। उनको डर लगता है कि हमारी बेईमानी से ये खुश नहीं रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं समाज में घूम घूम कर भ्रम फैलाते हैं कि ये दबंग है। वही लोग जो समाज को इधर से उधर तितर बितर कराते हैं, तो लोगों को तो डरना है, हमेशा डरना है। अगर वो लोग हमसे नहीं डरेंगे तो समाज किन कैसे साफ सुथरा रहेगा, और उनके कुछ लोगों के डरने से, बेईमान लोगों के डरने से हमारे राजनीति तथा हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो हमेशा जानना चाहेंगे सारे दर्शक, आपसे आपका परिचय जानेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। सबसे पहले बात है कि मेरा नाम युवराज सुधीर सिंह जी है और मैं खेल क्षेत्र से बहुत ज्यादा जुटा हुआ हूँ, और पहली बार खिलाड़ियों के ही दम पे और अपने अभिभावक और समर्थकों के दम पे, नौजवानों के दम पे तरैया विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घोषणा किए हैं। मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभात बाबू चार बार महाराजगंज से सांसद रह चुके हैं, मैं उस परिवार से, मेरा जो बैकग्राउंड भी है वो भी पॉलिटिकल है। तो ये तो आपका परिचय हो गया, तो आपका जो आपकी जो प्राथमिक शिक्षा है, पढ़ाई लिखाई है, वो कहाँ से? पटना केंद्रीय विद्यालय बेरी रोड से मैंने 8 तक पढ़ाई की थी, और उसके बाद मैं रांची चला गया। रांची से मैं वहाँ पर रांची से ही 10th किया था और रांची से ही इंटर किया था गवर्नमेंट कॉलेज से, और वहाँ से इंटर करने के बाद मैं दिल्ली चला गया और दिल्ली के एमसी कॉलेज से वहाँ से ग्रेजुएशन पूरा किया हूँ। तो ड्यूरिंग एजुकेशन मतलब पढ़ाई के दौरान आपके जीवन में कोई ऐसी घटना जो प्रेरणा देती है वो आप बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि हम लोग जब दिल्ली में पढ़ते थे तो वहाँ की घटना मुझे याद थी कि 72 चुनाव के समय की घटना मुझे याद है कि यहाँ पर बिहार में क्या होता है कि यहाँ पर आकर सभी लोग जात पात में बढ़ जाते हैं, लेकिन दिल्ली में वही हम लोग सभी लोग बिहार के लोग जितने भी थे हम लोग इकट्ठा हो जाते थे, वहाँ कोई जात पात की बात नहीं होती थी। ये जितने भी लोग थे कोई नहीं कहता था यादव है, राजपूत है, बुंदार है, चाहे कोई भी है, ये सब मिट जाता था। वहाँ होता था बिहारी, जाट और गुज्जर। तो मैं यही नहीं सोच पाता था कि वही बिहार के लड़के आके बिहार में कैसे चेंज हो जाते थे और वहाँ जाकर वो इकट्ठा हो जाते थे। मैं इसको लेकर हमेशा गुना भाग करते रह गया कि आखिर इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है हमको, और मैं वहाँ तक भी नहीं समझ पाया और आज भी नहीं समझ पाया हूँ कि दिल्ली आप भी जाते होंगे देखते होंगे कि बिहार के लोग जो होता है कहीं अगर विवाद होता है तो सारे बिहार के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और यहाँ आकर क्यों भूल जाते हैं? ये इकट्ठापन और ये समाज का जो मैसेज आप बिहार दिल्ली में दे रहे हो वो अपने बिहार में क्यों नहीं देते हैं? तो आप भी चाहते हैं कि बिहार के लोग जो है एक हों? निश्चित है कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं तो पूरे बिहार के आवाम से कहना चाहूंगा कि जो जातीय गंध फैली हुई है इस पर सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। हम लोग सब एक हैं और जब हमारी एकता मजबूत होगी तभी जाके नेतृत्व अच्छा मिलेगा, तभी जाकर समाज आगे बढ़ेगा, तभी जाके विकास की गति आगे बढ़ेगी। तरैया विधानसभा से आप चुनाव लड़ने वाले हैं, निर्दलीय प्रत्याशी आप होने जा रहे हैं, अगर किसी पार्टी से अगर कोई टिकट ऑफर होता है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, अभी तो हम निर्दलीय के मूड में हैं कि निर्दलीय ही चुनाव, जितने भी जो हमारे वर्कर समर्थक चाहे मित्र कहिए, चाहे अभिभावक कहिए, चाहे गार्जियन कहिए, वो सारे लोग मुझे निर्दलीय लड़ने पर ही ज्यादा जोर दे रहे हैं। अगर ऐसा मौका अगर हमको मिलता है तो मैं नीतीश कुमार को पसंद करूँगा। तो अगर इसके इतर बात करते हैं, चुनाव की बात तो होती है, आपकी खेल में बड़ी रुचि है, यहाँ बड़े बड़े कप दिखाई दे रहे हैं और इतने बड़े बड़े कप हैं कि आदमी इससे रुचि रहता है, तो इस खेल में रुचि का कारण और कैसे? देखिए, जब मैं दिल्ली से पढ़ाई खत्म करके घर आया था तो ज़्यादातर मेरे मित्र जो थे वो प्लेयर मिले थे, वो क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, टेनिस खेलते थे। तो सबसे पहले मुझे याद है कि डोइला के मेरे बड़े भाई थे सुबोध सिंह जी, वो हमेशा आते थे तो क्रिकेट खेल, जब मैं वो लोग क्रिकेट खेलते जानते थे बाइक ऊपर बैठकर, तो मैं भी जाना चाहता था, लेकिन मेरा परिवार में झगड़ा झंझट बहुत होता था,
तो इसके चलते मेरे गार्जियन नहीं जाने देते थे आम फील्डों पर खेलने के लिए। मैं हमेशा प्रयास करता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे गार्जियन की मनोपाली बने, उन्होंने लोगों के बीच में जाकर खेलने का मुझे मौका दिया और वही खेल मेरी पहचान बन गई। और उन मैं हमेशा उन नौजवानों को, चाहे वो सारण के किसी भी कोने से हो, चाहे वो बिहार के हो, मैं उन नौजवानों को हमेशा धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी पहचान बना दी। तो मैं आपकी जो पहचान आपने मुझे जो बना दी है, मैं आपके पहचान पर कभी दाग नहीं लगा दूंगा। हमेशा जिस तरह आप लोगों ने खेल में मुझे निस्वार्थ रखा है, उस तरह अगर मैं राजनीति के क्षेत्र में भी जाता हूँ तो वहाँ पे भी निस्वार्थ रहूंगा, तो ये वादा करता हूँ। तो अगर आप तरैया विधानसभा से चुने जाते हैं, विधायक बनते हैं, तो आपके पास क्या करना चाहेंगे? निश्चित है कि तरैया विकास में सारण के बहुत सारे ऐसे विधानसभा हैं, हमारे बगल में ही मसरक विधानसभा है, यहाँ इतना विकास हुआ है, सेंट्रल स्कूल प्लेटफॉर्म सब कुछ यहाँ पर है, पावर ग्रिड सब कुछ है। तरैया इस मामले में बहुत पीछे है। मेरी सोच है कि जिस तरह मसरक में मेरे बड़े पिताजी ने यहाँ पर विकास की जो नींव रखी थी, वो तरैया में जितना हो सके मैं विकास करूँ वहाँ पर। वहाँ के जो स्कूल जो हैं, वहाँ के स्कूलों की हालात बदतर है, वहाँ के हॉस्पिटल के हालात बदतर हैं, वहाँ पर जो हॉस्पिटल में, जो थाना में जो दलाल जो हैं वो दलाली करते हैं, जो अफसरों की दलाली करते हैं, उन लोगों पर मेरी प्रतिबंध सबसे पहले लगाऊंगा। क्योंकि सत्य होना चाहिए, सत्य की ही बात होनी चाहिए। ऐसा भी होता है कि निर्दोष लोगों पर मुकदमा करा दिया जाता है, निर्दोष को फंसा दिया जाता है, मैं उस चीज़ों पर प्रतिबंध लगाऊंगा। और तरैया में विकास की गति, तरैया बाजार डेवलप नहीं हो पाया, मैं चाहूंगा कि उस बाजार को डेवलप हो, तो वहाँ पर बेरोजगारी बढ़े, बेरोजगारी जो है वहाँ पर भी रोजगार बढ़ेगा। कोरोना के कारण जो है बहुत सी बेरोजगारी की स्थिति बन रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग चले गए बंद पड़े हैं, तो ऐसे में जो भी विधायक बनेगा तरैया विधानसभा का, उसके सामने एक बेरोजगारी चुनौती होगी, तो उसमें आप उसको आप कैसे? देखिए, मैं बाहर रहा हूँ, मैं दिल्ली पढ़ा हूँ, मैं रांची पढ़ा हूँ, बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि तरैया में छोटे मोटे व्यवसाय लगाए जाए। बड़े व्यवसायों के बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, ये तो सरकार का डील होता है, लेकिन छोटे व्यवसाय तो कहीं भी लगाए जा सकते हैं। उन लोगों से मैं डील करूंगा, जितना अगर वो लोग आकर यहाँ पर व्यवसाय लगा देते हैं तो निश्चित है कि कुछ बेरोजगारी, मैं विधायक होने के नाते कुछ बेरोजगारी तो दूर जरूर कराऊंगा। बाहर पढ़ने का जो ठीक है, बाहर पढ़ने का जो मुझे बाहर में मित्रता करने का जो मौका मिला था, उसका फायदा मैं यहाँ के विधानसभा लोगों को जरूर दूंगा। चलो, अब एक थोड़ा सा एक अलग सवाल पूछते हैं, कोई ऐसी घटना आपके जीवन की कहानी जो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं, जिससे सबको सीख? मैं दिल्ली में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जब करता था, तो उस टाइम पे मैं, बड़े पिताजी मुझे डेरा लेकर पढ़ाते थे, कभी भी अपने वो नहीं चाहते थे कि पढ़ाई पूरा करे लोग, तब तक मेरे घर वहाँ पर जो आवास का जो था वो पॉलिटिकल था, तो मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि पढ़ाई पीरियड में पॉलिटिकल चीज़ों से। तो मैं जब वापस आता था, कभी एक दो दिन फ्राइडे होता था तो डेरा पे आने का मौका मिलता था, तो उसी क्रम में मैं हाफ पैंट पहनकर अपने गेट के बाहर घूम रहा था और बड़े पिताजी आकर मेरा कान पकड़ लिया, कान पकड़ के ले जाकर आईने के सामने खड़ा करके बोले कि कैसा लगा था तारा ये ड्रेस, हालांकि सुधीर जिंदगी में दूसरे किसी का नकल करके कोई आगे नहीं बढ़ा है, कोशिश करो कि हम ऐसा कुछ करें कि तुम्हारा नकल कोई दूसरा कोई करो। अगर तुम हाफ पैंट की जगह लुंगी पहनता तो निश्चित है कि तुमको 10-20 लोग, हाफ पैंट तो पूरी दिल्ली पहनती है, तो तुमको कोई नहीं देखेगा। तो निश्चित है वो संदेश देना चाहे थे हम मेरे जीवन में कि अगर जो मैं कर रहा हूँ वही अगर वही तुम करोगे तो तुम सफल नहीं होगे, कुछ हट कर करो। यानी कि आप एक बिहारी कल्चर को प्रमोट करने की इससे आपको सीख मिली। हाँ हाँ, और अपने अपने संस्कार और अपने सभ्यता को नहीं छोड़ने का भी उन्होंने एक अलग ढंग से मुझे समझाया। थोड़ा सा एक राजनीतिक सवाल लेते हैं आपसे कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि देश में जो है बीजेपी में हिंदुत्व का झंडा लहराता है, कांग्रेस और जो महागठबंधन चल रहा है उसके पास अक्लियत जो है, माइनॉरिटी और भी जो उसके वोट बैंक है, तो एक तरह से देखें तो ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है जातीय और धार्मिक तौर पर। तो ऐसे में अगर आप निर्दलीय कैंडिडेट खड़े होते हैं तो कितना आप इसलिए चैलेंज पाते हैं? निश्चित है, देखिए ऐसी बात नहीं है कि देश में लोग निर्दलीय नहीं जीतते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो 4-4 बार MP बनकर निर्दलीय होकर जाते हैं। तो अगर समाज का काम अगर
उस मुद्दे से हटकर हिंदुत्व और वो निजे जो आप जो कहना चाहते हैं कांग्रेस गठबंधन, उन लोगों की बातों को छोड़कर अगर अलग स्टेप आप लेते हो, अलग तरीके से लोगों का काम करते हैं, आप सारे समाज के लोगों के बीच में रहते हैं, उनका ध्यान देते हैं, केयर करते हैं, तो निश्चित है कि जरूरत नहीं है कि हमें दिखाने का कि हम हिंदू हैं तो हम मुसलमान हैं तो हम क्या हैं। हमें अब दिखाना होगा तो सिर्फ अपना काम दिखाना होगा। अच्छा, इन सबसे अब एक अंतिम सवाल के पहले कोई अगर आपका पसंदीदा गीत हो, मुखड़ा हो, अगर आप गुनगुनाते होंगे स्टूडेंट लाइफ में। कभी कभी बाथरूम में गा लेता था, वो गीत मुझे याद है कि लौट के आ जा मेरे बीच तुझको मेरा गीत पुकारे, ये गाना मुझे बहुत पसंद था। थोड़ा सा कड़वा सवाल होगा मेरा, जवाब देने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है मेरा कि आपका परिवार एक दबंग परिवार माना जाता है, उसका असर है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपसे लोग डरते हैं या आपसे प्यार करते हैं या आपकी इज्जत करते हैं, इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अच्छा क्वेश्चन किए आप। डरते हमसे वही लोग हैं जो बेईमान हैं, उनको डर लगता है कि हमारी बेईमानी से ये खुश नहीं रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं समाज में घूम घूम कर भ्रम फैलाते हैं कि ये दबंग है। वही लोग हैं जो समाज को इधर से उधर तितर बितर कराते हैं, तो उन लोगों को तो डरना है, हमेशा डरना है। अगर वो लोग हमसे नहीं डरेंगे तो समाज फिर कैसे साफ सुथरा रहेगा, और उनके कुछ लोगों के डरने से, बेईमान लोगों के डरने से हमारे राजनीति तक हमारे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो हमेशा कहूंगा, मैं तो कहता हूं कि उस डर को वहां तक आप अपने दिल में जरूर रखें कि अगर आप गलत करते हो तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं सुधीर भैया के साथ कुर्सी लगाकर बैठा हूं और मैं गलत करूंगा तो भैया साथ देंगे, तो ये संभव नहीं। तो डरना तो आपको है, मेरे साथ जितने भी लोग अभी अगल बगल में बैठे हैं, तो निश्चित है अगर ये गलत करेंगे तो मैं इनका विरोध भी तो करूंगा। ऐसे बात थोड़े है कि आप गलत करते जाइएगा हम चुप रह जाएंगे, गलत की सीमा होती है। और वही कारण है कि उन लोगों को डरना है, ये सोचकर नहीं कि हम यानी जो कहेंगे वही कर लेंगे, ऐसे नहीं। मुझे जीना है लोगों के लिए, मुझे अच्छा काम कीजिएगा, मेरे दिल में है आप। जो बेईमान लोग हमसे डरते हैं वो गरीबों को सताते हैं, और जो मजलूम लोग जो है कमजोर लोग है उनका यूज करते हैं। और मैं इस चीज को अगर लेता हूं कि नहीं, मैं उस चीज का विरोध करता हूं, जो गरीबों को सताते हैं तो उनको तो डरना है। जो गरीब जो हैं, जो लाचार अच्छा है, वो पदाधिकारी जो हैं, वो भी अगर गलत करते हैं तो उनको भी हमसे डरना है, डरना है। और डर, इस डर को बड़े पिताजी मेरे पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू, अगर उनको पीछे अगर दबंग का नाम कोई लगाया तो वो विरोधी किस्म के लोग, वो बेईमान किस्म के लोग, वो गरीबों को लूटने वाले लोग, वो गरीबों पर अत्याचार करने वाले ही लोग थे जो मेरे पिताजी को दबंग और कहते थे। और वैसे लोग मुझे दबंग करते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें गरीबों के बीच में रहना है, गरीबों की बात सुननी है और असहाय लोगों का मदद करना है। और वैसे लोग कहें अपना ढोल पिटाला किसी चौक पर आप बजाते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका कहना है कि आप गरीबों की मदद करते हैं, इसलिए लोग आपकी इज्जत करते हैं। निश्चित है कि गरीबों के मदद से ही मेरे बड़े पिताजी और मेरे परिवार के लोग मदद से ही आज मेरे बड़े पिताजी उस लेवल पर पहुंचे थे। और मैं भी चाहूंगा कि उस लेवल तक तो नहीं, इस लेवल तक मेरे एक बड़े गार्जियन पहुंचे, लेकिन कुछ तो उनका अंश होगा। तो निश्चित है कि मैं उन्हीं गरीबों का आवाज बनकर एक बार वहां तक जाने के जरूर प्रयास करूंगा जहां मेरे बड़े पिताजी। तो आशा करते हैं कि आप तरैया विधानसभा से विधायक बने। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत